हिंदू संस्कृति में कन्या के विवाह का महत्व किसी महायज्ञ जैसा ही है और कन्यादान का महत्व उस महायज्ञ में आहुति देने जैसा है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें यह अवसर मिलता है। और किसी गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग का महत्व तो निश्चित ही अश्वमेध यज्ञ में आहुति देने जैसा है। ऐसा ही भाग्यशाली व परोपकारी काम करने का राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन को मौका मिला। इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सरोज सिंघल ने अपनी टीम के साथ मिलकर बसंत पंचमी के दिन होने वाले गरीब परिवार की दो कन्याओं के विवाह में अपना योगदान दिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं युगवान टाइम्स। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है और खुदा किसी न किसी रूप में लोगों की मदद करता है। ऐसी टीम आज हमारे साथ मौजूद है, मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। तो आइए बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की टीम से। नमस्कार सर। सभी को नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खुशियों भरा है। आज हमारी राष्ट्रीय मानवाधिकार की अध्यक्ष शिखा सिंघल जी, इनके पास एक बेचारी अयोध्या जी आई और उनकी बेटी की शादी के लिए कुछ सहयोग करना था, तो इन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम मिलकर ही शादी को पूरी कर देंगे, किसी और के पास सहयोग मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने जो सहयोग किया है और इनकी टीम ने सहयोग किया है, अयोध्या जी की बेटी की दो बेटियाँ हैं, उनकी दोनों बेटियों के लिए शादी का सारा सामान अरेंज किया है। और इनकी टीम में जो ये सभी लोग उपस्थित हैं, रीना जी हैं और मंगला, राजकुमार मंगला जी है, दीपक अग्रवाल जी, अजीत जी और माही जी, और मैं मनोज ढाका भी साथ में खड़ा हूं। और इनका शुरू से ही ये खासियत रही है, कोई शोषित वंचित किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लेकर के इनके दरबार में आते हैं तो ये तहे दिल से उनके साथ खड़े हो जाती हैं, तन मन धन से सहयोग करते हैं और अपने समाज सेवा करके और एक अच्छा बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं, उसके लिए इनकी तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। तो मैडम आप अपनी एनजीओ के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मेरी एनजीओ हमेशा गरीब महिलाएं और बच्चों के लिए काम करती है। मुझे 4 दिन पहले 10 दिन पहले एक मैसेज मिला था अयोध्या जी का कि मेरी दो बेटियों की शादी है, तो मैंने आपके चैनल के माध्यम से ही उसको न्यूज़ पे डाला था। उससे ही मेरे साथी सब आए, बहनें मेरी, सब ने मुझे इतना सहयोग दिया जो मैं यहाँ तक खड़ी हूँ, और मैं इन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। तो मैडम आगे की क्या योजनाएँ रहेंगी आपकी एनजीओ की? जी आगे भी मेरी गरीब बच्चों को, महिलाओं को, अनाथ बच्चों को लेकर के और समाज में जिस तरह के वंचित लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको पूरा मदद करने की कोशिश रहेगी बिल्कुल हर तरह से। और इस प्रोग्राम में जो जिन्होंने योगदान दिया उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी। इसमें मेरे कुछ साथी वीना जी हो गई, मंगला साहब हो गए, ढाका जी, दीपक अग्रवाल जी, मेरी फ्रेंड्स, मेरी माही जी, पूजा जी, बहुत सारी मेरी सहेलियाँ हैं जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग किया, पूरा सपोर्ट किया। हमारे साथ मौजूद हैं अयोध्या जी जिनकी दोनों बेटियों की शादी है, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ, मैंने अपनी सब इनको बताई थी भाभी जी को और इन्होंने मेरा साथ दिया है, इनको धन्यवाद सब लोगों को। तो शिखा जी जो कर रही हैं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम दिल से इनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। सरोज सिंघल जी जो काम कर रही है, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा इनके साथ और आगे भी रहेगा हमेशा, बस ये प्रगति करती जाए, हम इनके फुल सपोर्ट में हैं। ये बहुत खुशी की बात है, मतलब बहुत खुशी की बात है, ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हमेशा से ही आगे रहते हैं, किसी भी वर्क में किसी का भी कॉल वगैरह आता तो हमेशा कंटिन्यू स्टैंड लेते हैं। हेल्प आंटी सबके लिए तैयार रहती हैं, मतलब कैसी भी हेल्प हो उससे, मतलब हर एक चीज़ में वो मतलब अपने आप को सबसे आगे खड़ा रखती है। मेरी आंटी की जो बेटी है, मेरी दोस्त है, उनके थ्रू मेरी आंटी से मुलाकात हुई। ये बात कहनी पड़ेगी कि आंटी सहयोग कितना भी हो पर लेकिन अपना एक पैर हमेशा आगे रखती हैं, किसी को भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो कभी कुछ मना नहीं करती हैं। सहयोग कितना ही ये मैटर नहीं करता पर इंसान की नियत करने की होनी चाहिए, वो इनकी बहुत है। इन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, बच्चों को ज़रूरत है बच्चों के लिए हमेशा आगे रहती हैं, समझती हैं, ऐसा नहीं है कि बस अपनी ही पीढ़ी को समझती है, बच्चों के साथ बच्चों की तरह रह के समझती हैं और बड़ों के साथ बड़ों की तरह। तो एक बहुत ही अच्छी हाउसवाइफ भी हैं और साथ के साथ बाहर का काम भी उतनी अच्छे से संभाल रही हैं, तो युवाओं को भी इनसे एक प्रेरणा मिलती है इस चीज़ की कि कैसे हम लोग एक बैलेंस बना सकते हैं घर की लाइफ में और बाहर की लाइफ में। तो आज इस फंक्शन में उन्होंने इतनी हेल्प इस चीज़ में करी है, इससे अलग भी वो उतनी ही हेल्प करती हैं। सो रियली शी इज़ सो इंस्पायरिंग एंड आई इंस्पायर अ लॉट फ्रॉम हर। तरीके से मतलब अगर जो सब आगे बढ़ करके एक दूसरे का सपोर्ट नर्स में खड़े होंगे तो सभी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत समाज सेवा के लिए काम करती हैं और हमेशा एक्टिव रहती हैं हर किसी के लिए करने के लिए। बस